तो साफ सुथरे माहौल के अंदर हमारे बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी। थाली मारो इधर देखिए हम इधर देखो ऐसा अपना ऐसा हो गया तो फोटो ले लेते हैं। अहमद भाई जा इधर जा इधर पीछे पीछे जाओ एक मिनट अपना सामने से भाई कैसा ना कैसा ना जा एक मिनट पीछे डाल पीछे जा पीछे डाल फोटो ले मोबाइल मोबाइल फोन हरी तस्वीर ला रहे हैं जना अहमद जी ने दिला बुलाना था और 225 सी मकाना 288 मजीद मकाना की तामीर चालू है। इंशाल्लाह करीब होगी ख़त्म होगी तो 300 मकाना में से आज यहाँ पर 12 मकाना की तस्वीर अमल में आ रही है और 288 मकाना जैसे इख्तिताम को पहुँचेंगे उन मुस्तैक अफराद के अंदर हैदराबाद के अंदर मकानात की जो भी गवर्नमेंट की हुकूमत की टू बेडरूम की स्कीम है ये शर्फ हमको हासिल है कि पूरे हैदराबाद के अंदर पहली कॉलोनी हल्के मलकपेट के अंदर और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम दूसरे कॉलोनी वो भी बनाएंगे और जहाँ भी जगह मिलती है उसको हम बनाने हुकूमत से नुमाइंदे कर बनवाने लगेंगे ताकि हमारे गुरबा को छत मिल सके मुतासर मुझसे अफराद को छत मिल सके। इंशाल्लाह हर महाज के ऊपर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है तरक्याती मैदान के अंदर बुनियादी सहूलतों के लिए नौकरियों के ज़िम्मन में हर महाज के ऊपर मजलिस काम कर रही है और इंशाल्लाह हम पूरे हैदराबाद ना सिर्फ मलक पे बल्कि पूरे हैदराबाद की आवाम के लिए मजलिस बरसरुद्दीन अवैसी की हिदायत के ऊपर नुमाइंदगी करते रहेंगी और तरक्याती काम कराते रहेंगी। इंशाल्लाह दुआ कीजिए सदर मजलिस के लिए अकबरुद्दीन अवैसी के लिए ताकि अल्लाह उनको सेहत दे और हमारे लिए हर महाज के ऊपर ना सिर्फ आज जो मसला चल रहा है CAA NPR NRC का ये मसले के अंदर हर लोग हर आवाम में बेचैनी का माहौल है। मजलिस ने इसका असदुद्दीन अवैसी ने जब इसका सबसे पहले एहतजाज बुलंद किया उसके बाद ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि हिंदुस्तान के हर चौराहे के ऊपर असदुद्दीन अवैसी ने इसका एहतजाज बुलंद किया है। ना सिर्फ हम वो अपने एहतजाजी कामों के अंदर मसरूफ़ रहकर ऐसा नहीं कि हम अवामी कामों को भूल कर अवाम को बेसर व सामान नहीं छोड़े हैं
हम हर हाल के अंदर हर महाज के ऊपर आवाम के मसाइल चाहे उनके शहरियत को लेकर हो या उनके बुनियादी मसाइल हो या उनके रोजगार के मसाइल हो हर महाज के ऊपर मजलिस आवाम के साथ थी और रहेगी इंशाल्लाह।